हेलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बेसन की बर्फी की रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे भारी पैंदे की और अब गैस ऑन कर लेंगे। यहाँ पर लिया मैंने एक कटोरी घी और एक कटोरी बेसन, कटोरी से कम थोड़ी सी मैदा है। हम दोनों इनको तीनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैदा और बेसन से बर्फी बनाएंगे। मैदा इसलिए डाली है जो तो बेसन में मैदा मैंने इसलिए डाला है ताकि इसमें घी ज़्यादा ना लगे, तब खाएं तो इसमें मुंह में चिपके नहीं, और इसलिए मैंने मैदा यूज की है। और इसमें बनाएंगे तो घी भी कम में लगेगा और इसको 2 या 4 मिनट में बन के ये तैयार हो जाएगा। अब तो ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो रहा है, तब लगातार बनाएंगे ना कलर आ जाएगा। ये अब थोड़ा ये ढीला हो गया है और अब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा तो जल्दी ये बूंद के तैयार हो जाएगा। देखिए बबल से आने शुरू हो गए हैं तो ये भून के तैयार हो गया है, और ये बबल से आने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिक गया है। और अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फूड कलर येलो कलर और थोड़ा सा केसरी कलर, दोनों कलर मिक्स कर देंगे, इससे इसका कलर और भी अच्छा आएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये लो मीडियम आंच के ऊपर भूनना है। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। अब बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने ले लिया है एक पतीला और मैंने चीनी ली है ये आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा, तो ये चीनी मेरी ज़्यादा मोटी है तो ये मीठी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी कम चीनी ले रही हूँ। और जैसे आपके पास जैसी चीनी हो उस हिसाब से ले लेना। और यहाँ पर लिया मैंने आधी कटोरी पानी। अब हम इस चाशनी को बना लेंगे हल्की से एक तार की और तीन चार उफान लाएंगे और इससे चाशनी जल्दी से बन जाएगी। देखिए चाशनी में उफान आना शुरू हो गया है, ये 3-4 उफान में ही चाशनी बन के एक तार की तैयार हो जाएगी। और जो आपको ये मेजरमेंट बताया जाता है उस हिसाब से अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल हलवाई जैसी ही बनेगी और हलवाई जैसी ये बर्फी में स्वाद आएगा। बन के तैयार हो गई है, देखिए हल्का से तार बन के बन गया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसमें और कढ़ाई उसी गैस पर रख दी है, गैस है बंद। अब हम इसमें चाशनी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे तो ये अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए डो बन के तैयार हो गया है ना, ये चिपक रहा है। और ये अब थोड़ा सा लगातार चलाएंगे ना तो थोड़ा सा ये टाइट सा हो जाएगा, तो टाइट सा हो जाएगा तो इसका मतलब भी डो बन के सही से तैयार हो गया है। और फिर अब किसी और बर्तन में निकाल के इसकी काट लेंगे। देखिए डो बन के तैयार हो गया है और अब हम एक प्लेट या ट्रे जो भी हो वो लेके उसमें थोड़ा सा चिकनाई लगा के और अब हम उसमें निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से हमें इसको ग्रीस कर लिया है घी से और अब हम इसको निकाल रहे हैं प्लेट में। और अब हम थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में इसको अच्छी तरह से कट करेंगे।
देखिए हम प्लेट में निकालिए, अगर आपका बैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला रह जाए या गाढ़ा ना ही हो तो उसको थोड़ी सी देर और गैस को ऊपर से चला लेना, तो उससे बैटर आपका गाढ़ा हो जाएगा और तो फिर वैसे ही बर्फी बन जाएंगी। अब हम थोड़ा सा इसमें काजू और बादाम से सजा लेंगे और इसको पंखा के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए, और 15-20 मिनट में इसके काटेंगे पीस। देखिए 10-15-20 मिनट हो गई हैं, अब हम इसको काटेंगे। देखिए चक्कू आपको चलता दिख ही रहा होगा, बर्फी एकदम सही बन के तैयार हुई है और अब हम इसको आपको पीस भी काट के दिखा देंगे। देखिए हमें कतली काट ली है और अब आपको एक चक्की तोड़ के दिखाते हूँ। देखिए एकदम सही बनी है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।